subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विश्व योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह केवल आसन ही नहीं, बहुत कुछ है। सातवां विश्व योग दिवस 21 जून को आज यानी कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है और इसका जो थीम है वो है कोरोना से बचाओ। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था 2014 में, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। जो इस साल का थीम है वो कोविड से बचाव है, कितना कारगर हो सकता है। योग के 8 अंगों में से एक है प्राणायाम, जिसमें श्वसन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योग के सभी 8 अंगों को मिलाकर अष्टांग कहा जाता है। योग का अर्थ है जुड़ना, मन को वश में करना और व्रतियों से मुक्त होना। योग है, सदियों पहले महर्षि पतंजलि ने मुक्ति के 8 द्वार बताए थे, जिन्हें अष्टांग योग कहा गया है। अष्टांग योग के कुछ अंगों जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान को ही जान पाए हैं। आज हम आपको पतंजलि योग के 8 अंगों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यम पहला है। यम शब्द से ही बना है संयम, यानी मर्यादित आचरण व्यवहार। यम के 5 अंग हैं अहिंसा, मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना, सत्य, भ्रम से परे सच का ज्ञान, असत्य, नकल या चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, चेतना को ब्रह्म तत्व से एकाकार रखना, अपरिग्रह, संग्रह या संचय का अभाव। दूसरा है नियम। नियम के भी 5 अंग हैं। पहला है सोच, आंतरिक और बाहरी सफाई। दूसरा है संतोष, जो है उसे ही पर्याप्त मानना। तप, स्वयं को तपाकर असत को जलाना। स्वाध्याय, आत्मा परमात्मा को समझने के लिए अध्ययन करना। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, अहम का त्याग। तीसरा है योग का वो अंग जो मौजूद दौर में सबसे ज्यादा मुश्किलता से प्रकट है। आसन महज शारीरिक कसरत या लचीलापन नहीं है। महर्षि पतंजलि इसकी अवस्था को बताते हुए कहते हैं कि श्रम सुखम आसन, यानी कि शरीर स्थिरता और मन के तल पर आनंद और सहजता का आसन है। अगर आप इन दो स्थितियों को नहीं जान पाते हैं तो आप आसन में नहीं है। चौथा है शरीर में सूक्ष्म प्राण शक्ति को विस्तार देने की साधना है प्राणायाम। योग याज्ञवल्क्य के संहिता में प्राण आती सांस और अपान जाति सांस के प्रति सजगता के संयोग को प्राणायाम कहा गया है। सांस की डोर से हम तन मन दोनों को साध सकते हैं। हठ योग ग्रंथ कहता है चले वाते चलम चित्तम, यानी तेज सांस होने से हमारा चित्त मन तेज होता है। सांस को लयबद्ध करने से चित्त में शांति आती है। सांस के प्रति सजगता से सिद्धार्थ और गौतम ने बुद्धत्व को साधा। वहीं गुरु नानक ने एक एक सांस की पहरेदारी को परमात्मा से जोड़ने की कुंजी बताया है। पांचवा है हमारी 11 इंद्रियां हैं, यानी कि 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। प्रत्याहार शब्द प्रति और आहार से बना, यानी कि इंद्रियां जिन विषयों को भोग रही हैं यानी उनका आहार कर रही हैं, वहां से उसे मूल स्रोत की तरफ मोड़ना। ज्ञानीजन कहते हैं कि हर चीज जो सक्रिय है वो ऊर्जा की खपत करती है। इंद्रियों की निरंतर दौड़ हमें ऊर्जाहीन करती है। इंद्रियों की दौड़ को त्याग कर मगन करना प्रत्याहार है। छठा है देश बंधा है, चित्तय धारणा, यानी चित्त का एक जगह टिक जाना धारणा है। इन दिनों अक्सर धारणा अभ्यास को हम ध्यान समझ लेते हैं। धारणा मन को एकाग्र करने का भी साधन है। इसके कई स्वरूप हैं, जैसे प्राण धारणा यानी सांस पर फोकस, ज्योति या बिंदु त्राटक आदि। धारणा दरअसल ध्यान से पहले की स्थिति है। धारणा मन के विचारों को बाढ़ को नियंत्रित कर हमें शांति देती है। योग सूत्र कहता है, सातवां है, जब धारणा लगातार बनी रहती है तो ध्यान घटित होता है। साफ है कि ध्यान हम कर नहीं सकते, बल्कि यह घटित होता है। ध्यान के नाम पर जो भी विधि या प्रक्रिया हम अपनाते हैं वो महज हमें धारणा यानी एकाग्रता की ओर ले जाती है। ध्यान वो अवस्था है जहाँ कर्ता, विधि या प्रक्रिया सब कुछ समाप्त हो जाती है, बस एक शून्यता होती है। जैसे नींद से पहले हम तैयारी करते हैं, लेकिन यह तैयारी नींद की गारंटी नहीं है, वो अचानक आती है यानी घटित होती है। आठवां है समाधि। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब योगी स्वयं के वास्तविक स्वरूप सत्चित आनंद स्वरूप में लीन हो जाता है, तब साधक की वह अवस्था समाधि कहलाती है। समाधि पूर्ण योगस्थ स्थिति का प्रकटीकरण है। कबीर इस अवस्था को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब जब डोलूं तब तब परिक्रमा, जो जो करूं सो सो पूजा। बुद्ध ने इसी को ही निर्वाण और महावीर ने कबुल्य कहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको दोबारा से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, और कोरोना काल में तो आपको पता ही है कि योग ही एक ऐसा है कि जो हमें
हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ही सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ज्ञानप्रद वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।